हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट की तरफ से एक नया अपडेट आ चुका है। इसमें आपको एडवांस पेमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। एडवांस पेमेंट आपको प्रोडक्ट परचेस करने से पहले इसमें आपको एडवांस पेमेंट 500 रुपये, यहाँ पर 300 रुपये करके मांगता है। इसमें आपको 300-500 रुपये तक का एडवांस पेमेंट मांगता है। इसमें अगर आप कोई मोबाइल परचेस करते हो तो इस तरह का आपको ज़रूर दिखाई देता हो कि 500 रुपये एडवांस पे कीजिए तब तो यह मोबाइल आपको बुक होगा। ज़्यादातर यह आपको सेल वाला मोबाइल में होता है, ठीक है। जो कि मोबाइल आपको यहाँ पर सेल में चल रहा है तो इसमें आपको 500 रुपये एडवांस पे करना होता है। तो एडवांस पेमेंट से किस तरह से बच सकते हैं, तो इस वीडियो में इसका सलूशन लेकर आया हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए बिना टाइम गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट से परचेस करना है वो आपको फ्लिपकार्ट में ओपन करना है, सर्च करके ओपन करना है। जैसे कि हम एक मोबाइल परचेस कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल परचेस कर रहे हैं तो ओप्पो का है, तो उसमें हम करने के बाद यहाँ बाय नाउ पर क्लिक कर लेना है। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको 500 रुपये एडवांस मांग रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपली आपको बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, एड्रेस चेंज कर देना है, ठीक है। सिंपली आपको कुछ एड्रेस यहाँ पर आपको चेंज कर देना है। एड्रेस चेंज कर देने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के बटन पर, अगेन आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप पेमेंट के ऑप्शन में जाइएगा तो यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर यानी आपको यह पता लग गया कि पिन कोड पर भी यहाँ पर आपको निर्भर करता है। तो इसमें आपको दूसरा मैटर यह है कि आप कोई दूसरा नए अकाउंट से कीजिए ऑनलाइन उसी मोबाइल को, तो यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी में ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। आपके मन में यह सवाल होता हो कि दूसरा एड्रेस देंगे तो वहाँ पर लाने कौन जाएगा, तो उसका भी एक वीडियो इस चैनल पर आएगा, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मेरे पास उतना डाटा नहीं रहता है 9 मिनट का वीडियो अपलोड करें। हम दूसरे वीडियो में आपको यह ट्रिक बताएंगे, इस ट्रिक का आप जरूर उपयोग कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।